अमेलिया थाना अंतर्गत ग्राम परसोना निवासी सुरेश केवट पिता शिव प्रसाद केवट उम्र 24 वर्ष और दूसरा व्यक्ति राजेश केवट पिता बुद्धसेन केवट उम्र 30 वर्ष इन दोनों व्यक्तियों के साथ में 4 से 5 लोग भैंस चराने के लिए गए थे कि अचानक सोन नदी में बाढ़ आने की वजह से सोन नदी के पत्थर की चट्टान के टापू पर 2 लोग फंस गए। बाकी लोग किसी कदर अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तत्काल SDOP चुरहट विवेक गौतम अपनी टीम और थाने के पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां रात काफी होने की वजह से रेस्क्यू करने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा था। फिर रात 11 बजे SDRF की टीम मौके पर पहुंची, जहां रात की वजह से अंधेरा था और टापू काफी दूर होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आई। साथ ही साथ पानी का बहाव भी बहुत तेज था। रात भर अवेलिया पुलिस और घरेलू पुलिस के साथ साथ SDRF की टीम मौके पर मौजूद रहे। सुबह करीबन 5 बजे रेस्क्यू फिर शुरू किया गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पानी का बहाव तेज होने की वजह से दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं परिजनों के चेहरे पर मुस्कान आई। पुलिस और SDRF की टीम को ग्रामवासियों ने बधाई दी। हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने बताया कि बरसात होने की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं, ऐसे में किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाया जाना चाहिए। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान में राजस्व का अमला भी मौजूद रहा, जहां नायब तहसीलदार सहावल हरडी साकेत के साथ पटवारी भी मौजूद रहे। जैसे कि गांव वालों से जो जानकारी मिली है, 2 लोग मछली पकड़ने के लिए आए थे और ये शाम 5-6 बजे 5:30-6 बजे का बता रहे हैं घटनाक्रम। तो ये नदी में बीच में पत्थर में बैठ के कहीं मछली वगैरह पकड़ रहे थे, तो अचानक से नदी का पानी बढ़ गया और वो बीच में फंस गए। इन लोगों ने आवाज़ भी दी और इसके बाद जो कोशिश कर सकते थे गांव वाले उन्होंने की, फिर पुलिस को भी सूचना दी तो हम लोगों के पास भी सूचना आई और हमने जो SDRF की टीम है उसको भी सूचित करके, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, तो और कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है। अंधेरा भी है और नदी का बहाव भी बहुत तेज है, तो अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है इसमें देखने में। ये SDRF की पूरी टीम है, इनकी 13 लोगों की टीम है, पूरा इक्विपमेंट नाव और ये इनका जो रस्सा लाइट और सारी चीजें हैं, टायर वगैरह सब ये लेके यहाँ पे आए हुए हैं। चुरहट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।